हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपके लिए लेके आया हूँ वर्क का चौथा पार्ट, जिसमें हम वर्कमूल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बेसिक रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी 121 11 का स्क्वायर होता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट हैं जिनको हम लोग एनालाइज करेंगे। अगर हम 3 बार 1 ले लें, यानी कि 111 का स्क्वायर लें, तो ये क्या होगा? तो जितने 1 है हमें वहां तक काउंटिंग करनी है, यानी 1, 2, 3 और फिर बैक कर जाना 3 के बाद 2 और 1। ऐसे ही यहां पे देखिए 3 1 थे, तो 1111 का अगर निकालें, यहां पे कितने 1 है? 4 1 है, तो यहां पे भी एक ऐसे ही 4 तक हमें काउंटिंग करनी है, 1 से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 4 फिर बैक कर जाना है 3, 2, 1। ऐसे अगर हमारे पास 5 1 हो, इनका स्क्वायर करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 ये रिजल्ट निकल के आएगा। ऐसे ही हमारे पास अगर 6 1 हो, तो यानी कि हमें 1 से स्टार्ट करके 6 तक जाना है, फिर 6, 5, 4, 3, 2 तक आ जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हैं बेसिक रिजल्ट्स जब हमारे पास केवल और केवल 1 हो, यानी किसी संख्या के वर्ग निकालने के लिए केवल और केवल क्या हो? 1 हो। तो ये रिजल्ट इस तरह, मतलब जो रिजल्ट होते हैं इस तरीके से एनालाइज होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना, वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। या अंडर रूट, इसे दो तरीके से निकाला जाता है, या इसे कह सकते हैं दो प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा मेथड भागफल विधि, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, भागफल विधि। देखिए, जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो एज ए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है उनको निकालने के लिए करते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये जो छोटे नंबर्स होते हैं उनसे उनका वर्गमूल किसके थ्रू निकाला जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकाला जाता है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है हर एक के लिए है, या कह सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं उनका भी अंडर रूट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमें निकालना है स्क्वायर जैसे 100 का, तो 100 के हम करेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कहां शुरू करेंगे ये देखेंगे, ये हमारा कैसा नंबर है? इवन नंबर है, तो इसके हम प्राइम फैक्टर करना शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा 2 5 10, यानी 2 5 10, ये 0 लगा दिया। फिर देखा ये 50 जो है ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है जाके, क्योंकि 50 क्या होता है? इवन नंबर होता है। 2 2 4, यानी 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10। अब देखिए ये जो नंबर दिया गया है इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, यानी 2 का भाग नहीं जा रहा, तो किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। 5 25, 5 1 5, यानी 5 5 5 5 5 1 5। अब देखेंगे यहाँ पे ये 100 के जो प्राइम फैक्टर निकले वो क्या निकले, 2 into 2 5 into 5। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है
इसमें दो और दो के पेयर बनाए जाते हैं, यानी कि जो पेयर होते हैं उसमें दो नंबर्स होते हैं, उनकी ग्रुपिंग की जाती है और उनको अलग कर दिया जाता है। देखिए वैसे यहाँ पे देखिए दो का पेयर बनाया और ये पांच का पेयर बनाया, इनको अलग रख दिया तो दो पंचे कितना हो गया, दस हो गया। तो यानी कि सौ का जो वर्गमूल है उसको वो कितना आया जाके, दस आया जाके। हाँ, और वर्गमूल को इस साइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे ये दो होता है लेकिन वर्गमूल वाले किस में इसको लिखो चाहे ना लिखो, अगर यहाँ पे तीन है तो उसका मतलब है घनमूल निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है? घनमूल निकाला जा रहा है। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई अगला एग्जांपल लिया हम लोगों ने, जैसे 1296 के लिए लिया एग्जांपल, इसका प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। दो से जा रहा डिवाइड हो रहा, दो छह बारह, दो चौको आठ, दो अट्ठे सोलह, दो तीन छह, दो दूनी चार, दो चौको आठ, फिर दो का भाग ग्यारह, दो एकम दो, दो छंग बारह, दो दूनी चार, दो अट्ठे सोलह, दो एकम दो। अब दो का भाग नहीं जाएगा, तीन का भाग जाएगा, तीन दूनी छह, तीन सत्ते इक्कीस, तीन नौ सत्ताईस, तीन तेई नौ, तीन एकम तीन। तो हमने देखा कि 1296 के जो प्राइम फैक्टर बने जाके वो क्या बने, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, यानी चार बार दो आया है, फिर तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन। अब यहाँ पे पेयर्स निकाले जाएंगे, दो का पेयर, फिर दो का पेयर बन गया, फिर दो का पेयर बन गया, फिर दो का पेयर बन गया, यानी पेयर को निकाल के बाहर कर लेंगे, यानी पेयर में से एक लेना है, एक दो इधर से, एक तीन इधर से, एक तीन इधर से, तो दो दूनी चार और ये तीन दाई नौ, चार नौ या छत्तीस, यानी कि ये 1296 था, ये हमारा 36 का स्क्वायर था। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिया हम लोगों ने 31 36, इसका निकालना है वर्गमूल, कैसे निकालेंगे, पहले देखिए दो से डिवाइड हो रहा हो रहा, दो एकम दो, दो पंचे दस, दो छंग बारह, दो अट्ठे सोलह, फिर से देख लेना इसको ध्यान से, दो एकम दो पंचे दस, दो छंग बारह, दो अट्ठे सोलह, फिर दो का भाग किया, दो सत्ते चौदह, दो अट्ठे सोलह, दो चौको आठ, फिर दो का भाग कर रहा है, दो तीन छह, दो नौ अठारह, दो दूनी चार, फिर दो का भाग किया, दो एकम दो, दो नौ अठारह, दो छंग बारह, फिर दो का भाग किया, दो नौ अठारह, दो अट्ठे सोलह, फिर दो का भाग किया, 49 बार गया। अब दो का भाग नहीं जाएगा, अब सात का भाग जाएगा, सात का भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, सात सत्ते 49 और सात के कम सात। अब इसके बाद पेयरिंग करेंगे इनकी, यानी दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, एक दो तीन चार, यानी चार जोड़े बन रहे हैं, एक दो तीन चार, यानी दो गुणे दो गुणे दो गुणे सात, दो चौको आठ हुआ, आठ सत्ते छप्पन, यानी कि हमारा 56 का स्क्वायर था, यानी 3136 56 का स्क्वायर था। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद आते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का अप्लाई लंबी संख्याओं के लिए किया जाता है, यानी कि जो लंबी डिजिट होती है, जैसे हजारों या लाखों में जो डिजिट होती हैं, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, उनका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करते हैं, वो भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसमें स्टेप्स कुछ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ये हमारा लास्ट वाला ही सवाल था, 31 36 जो सवाल था, इसको ही करते हैं, ध्यान से इसको समझना आप लोग। पहला स्टेप जो होता है, इसके इकाई के अंक से जोड़े बनाए जाते हैं, क्या करते हैं, इकाई के अंक से जोड़े बनाते हैं, जैसे ये हुआ एक जोड़ा, ये दो जोड़ा, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब दाहिनी बाएं ओर से देखते हैं, जो हमारा लास्ट वाला जोड़ा बना होता है, बाईं ओर से लास्ट वाला जोड़ा क्या है, 31 है, 31 के पास में देखेंगे कौन सा, यानी 31 के पास में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, 31 के पास में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो इसके जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर निकालते हैं, एक का स्क्वायर किया एक आएगा, दो का स्क्वायर किया चार आएगा,
तीन का स्क्वायर किया 9 आएगा, चार का स्क्वायर किया 16, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए ये 31 दिख रहा, 31 किसके बीच में है, 31 हमारा इन दोनों के बीच में है, तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे यानी कि ये 25। तो ये यहाँ कहाँ आया जाके 25 आया जाके, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, यानी कि जो जिसका स्क्वायर उसको दो बार लिखते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और जितने बार गया उसका उतने बार ही ऊपर लिख देते हैं बार, मतलब 5 का स्क्वायर हो रहा था ये ऊपर उतनी वैल्यू रख दी। अब इसके बाद अगली स्टेप जो होती है, ये जिनसे हमने स्क्वायर रखा ये 25 का स्क्वायर, इनको ऐड कर देते हैं। देखिए 5 5 हुआ जाके 10, और यहाँ पे एक बॉक्स का स्पेस खाली छोड़ देते हैं, यही स्टेप इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद अगला प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे इसको सबट्रैक्ट करते हैं, यानी घटाया जाता है, तो कितना आएगा 6 आएगा। हाँ, अब अभी आगे जो संख्या उतारी जाएगी वो क्या होगी, पेयर में ही नीचे आएगी जाके, यानी 36 नीचे उतर के आएगी। अब एक बॉक्स यहाँ बनाया तो वही बॉक्स यहाँ पे भी बना देंगे, क्योंकि जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा। अब इसके बाद करना क्या है, यानी कि जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आना चाहिए, और उसी नंबर से इसमें गुणा करते हैं, यानी कि जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा, और उसी से इस संख्या में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे 5 का गुणा यहाँ कर रहे थे 25 हुआ जाके, सेम वही प्रोसेस यहाँ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी अपने पास से वैल्यू रखेंगे। तो यह देखेंगे यहाँ पे कि 1 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। बाय चांस सपोज अगर 7 बार जाता, कितने बार जाता, 7 बार जाता, तो यहाँ 7 रखते, यानी यहाँ 7 रखते, और 7 से ही क्या कर देते, गुणा कर देते, 7 × 7 = 49, और 7 × 7 = 749, इससे क्या हुआ, ज्यादा हुआ, इसलिए पीछे आएंगे। बाय चांस मान लो 5 बार जा रहा होता तो यानी यहाँ क्या रखते, 5 रखते, और 5 से ही क्या करते, गुणा करते थे, तो 25 और 5 × 5, देखो ये कम हो गया, उधर जब 7 लिया था वो ज्यादा हो रहा था, यानी हमारा बीच में कितना आएगा, 6 आएगा। 6 जैसे ही यहाँ पे रखेंगे और 6 का गुणा करेंगे, 6 × 36 और 6 × 6, देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ये हमारा 0 आ गया, यानी कि 3136, यानी 3136 का वर्गमूल निकल के आया जाके 56, यानी 56। अब थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, यानी बड़ी संख्या लेते हैं, इससे थोड़ी बड़ी संख्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 15876। इस नंबर को करके देखते हैं, पहला प्रोसेस क्या था या पहला स्टेप क्या थी, दाहिनी ओर से पेयरिंग करते हैं, यानी इकाई की अंक से क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, यानी जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जोड़े बनाए, ये जोड़े बनाए, अब एक का अकेला जोड़ा बन गया, तो हो सके 0 लगा दो, नहीं तो एक ही रखा रहने दो। अब क्या करेंगे, दाहिनी ओर का सबसे जो बाई ओर का जोड़ा है उसके लिए क्या करेंगे, जो सबसे बाई ओर जोड़ा है उसके पास देखेंगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, क्या देखेंगे, उसके पास देखेंगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें क्या दिख रहा, 1 दिख रहा है, उसके बराबर ही आ रहा है आपके, यानी क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्या होगा, 1। अब यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 1 × 1 = 1। अगली स्टेप क्या थी, इसको घटाते हैं, यहां से हमने घटाया, 1 से गया क्या बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ 1 हो गया, यानी कि 2, कितना हो गया, 2 हो गया जाके। अब अगला जोड़ा उतारते हैं, अगला जोड़ा जैसे उतारेंगे ये हो जाएगा 58। फिर देखो यहाँ एक जगह छोड़ी थी वहां बॉक्स बना दिया, यहाँ पे भी बॉक्स बना दिया और यहाँ पे भी बॉक्स बना दिया, यानी कि अब ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करेंगे, यानी कि भाग देंगे, यानी कि ऐसी संख्या को भाग देना या गुणा करना है कि उसका गुणा, यानी कि वो संख्या यहाँ पे भी रखें और उसी संख्या से इसमें गुणा करें, और वही संख्या यहाँ पे रखनी है जो 58 के नजदीक हो या 58वें भाग चला जाए। ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे 2 का भाग 5 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, और करने का तरीका क्या होता है, 2 का भाग करके देखते हैं, यहाँ पे 2 का भाग 5 में 2 बार जा रहा है, तो 2 रख के देखेंगे, 2 × 2 = 4, 44 आया, हो सकता है हमारा ये 3 रख के देख लेते बाई चांस, तो
कि जितना रखते हैं यहाँ पे उतने से गुणा कर देते हैं, यानी तीन दही नौ, तीन दूनी छह, ये 69 ज्यादा हो रहा है, यानी ये वाला हमारा रिजल्ट सही था। यहाँ पे कितना आएगा, चार दो आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा, दो आएगा, दो दूनी चार, दो दूनी चार, यहाँ कितना आया, चार आया, यहाँ एक आया। अगला रिजल्ट यहाँ उतारेंगे, यानी 76, यानी कि क्या 76। अब देखो इसको ऐड किया, दो दो चार हुआ, या कि ये दो हुआ, फिर वही स्टेप, यहाँ पे क्या बना लिया, एक बॉक्स बना लिया, यानी जगह वैकेंट कर दी, और यहाँ पे कितना आया था, दो आ चुका था, अगला ब्रैकेट मतलब बॉक्स बना दिया। अब दो से भाग करना है, और जो संख्या है उसको यहाँ रखना है, और उसी संख्या से इस वाले संख्या में पूरे में गुणा करना है। तो दो का भाग 14 में कितनी बार जा रहा, 7 बार जा रहा, 7 रख के लेते हैं, 2 4 7, और 7 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 7 7 49 हासिल लगे 4, 7 4 को 28, 28 4 32 हासिल लगे 3, 7 दूनी 14, 14 3 हुआ जाके 17, यानी कि ज्यादा हो गया जाके, यानी कि हमें कम पे लौटना पड़ेगा, 2 का भाग करेंगे इसमें, यानी 7 बार तो दिया ही था, अब 6 बार करके देखें, कितने बार करके देंगे, 6 बार, जब 6 बार करके देखेंगे तो यहाँ पे 2 4 6 गुणे 6, 6 36 हासिल लगे 3, 6 6 24 24 3 27, यानी कि हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं, 6 दूनी 12, देखिए 6 6 24 हुआ जाके यहाँ पे, 6 36 के 6 हासिल लगे 3, 6 6 24 24 3 27 हासिल लगे 2, और 6 दूनी 12, 12 2 हुआ जाके 14, यानी कि हमारा सोल्यूशन आ गया है। अब इसको घटाएंगे, 0 0 पूरा कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, कितने बार गया था, 6 बार, ये 6 रखेंगे, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, यानी कि 15,876 का अंडर रूट जो निकल गया है, यानी वो निकल गया 126, कितना निकल गया फ्रेंड्स, 126। अब अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल और ले लेते हैं, 579 3649, इसको करके देखते हैं, 1 2 3 4, यानी कि क्या पहला प्रोसेस क्या था, इकाई के अंक से दो दो अंकों के जोड़े बनाने, यानी कि पेयरिंग करना, तो यहाँ पे क्या किया 49 और इधर वाला 0, और यहाँ पे क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इतने में काम हो जाएगा, क्योंकि हम ये देखेंगे 5 किसके नजदीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 ये 4 के नजदीक पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि 5 के नजदीक कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, यानी 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, और 2 यहाँ पे भी रख देंगे ऊपर टॉप पे भी। अब यहाँ पे देखो सेपरेट करके देख, यहाँ अगली स्टेप क्या होती है, इसको बढ़ा के यहाँ रखते हैं, और अगला पेयर क्या कर देते हैं, उतार लेते हैं, इधर वाले भी क्या करते हैं, इन दोनों जोड़ते हैं, और ये वाला बॉक्स खाली छोड़ देते हैं। अब यानी कि 4 का भाग इसमें करें, जितनी बार जाए, यानी कि जो इसका भागफल आए उसी से इस संख्या में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 का भाग 17 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, यानी 4 यहाँ रखेंगे, और 4 रखेंगे, 4 में 4 का गुणा करके देखते हैं, 4 चौको 16 हासिल लगे 1, 4 चौको 16 16 है 17, यानी कि जा रहा है। यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, और 4 यहाँ पे, 4 4 16, यानी 4 चौको 16 कैरी आया 1, 4 चौको 16 16 एक 17, यहाँ इसको सेपरेट किया, कितना आ रहा, 3 आ रहा, और यहाँ 4 4 8 हो रहा जाके, और ये हुआ जाके 4, ये स्पेस खाली छोड़ दिया, अगला पेयर उतार लिया 36, फिर वही काम, 4 का भाग करेंगे 33 में, कितने बार जा रहा, 8 बार जा रहा, ट्रायल एरर मेथड के थ्रू, यहाँ पे देखते हैं 8 बार करके, यानी 48 8 गुणे 8, 88 64 के 4 हासिल लगे 6, 88 64 64 6 70 हासिल लगे 7, 8 चौको 32 32 7 39, यानी ज्यादा हो रहा है, 88 64 के 4 हासिल लगे 6, 88 64 64 4 70 हासिल लगे 7, 8 चौको 32 32 और 7 39, यानी ज्यादा हो रहा है, हमें कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक कम कर दिया, तो यहाँ पे भी एक कम किया, यानी 7 7 कर दिया, 7 7 49 हासिल लगे 4, ठीक है, 7 8 56 56 4 60 हासिल लगे 6, 7 चौको 28 28 6 34,
भी ज्यादा हो रहा जाके। तो ये देखिए हमारे पास ज्यादा आ रहा, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, एक संख्या और उतारनी पड़ेगी हमें, यानी अगली संख्या भी उतारनी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ जैसे ही कुछ रख रहे हैं तो वो वैल्यू किससे, तीन से ज्यादा हो रही है। तो यानी अगला पेयर उतारने के लिए जैसे हम डिविजन में क्या करते थे, जोड़ा लगाते मतलब जीरो लगाते थे, यानी कि अगर कोई नंबर उतार रहे हैं जाके तो क्या लगाना पड़ता था, हमें जीरो लगाना पड़ता था। तो वैसे भी यहाँ पे भी एक जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ एक जीरो, यहाँ। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन बन गया जाके, क्योंकि हम लोग गलत, थोड़ा सा गलत दिशा में जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम कुछ रखेंगे तो वो 336 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हमें अगला जोड़ा भी उतारना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जीरो लगा दिया, अगला जोड़ा उतार लिया, ये इतना आ गया। अब देखिए हमें यहाँ पे 49 लाना है, तो 49 आसानी से आ सकता है, थोड़ी सी ट्रिक अगर लगाए तो देखिये 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7×7=49, या 3 वाले में तो आना मुश्किल है, क्योंकि 7×7=49 हो रहा था, यानी यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 7 बार, और 7 बार जा भी रहा था हमारा, अगर पहले रख रहे थे तो 7 बार जा भी रहा था, जो गलत कर रहे थे हम लोग प्रोसेस। तो यहाँ पे कितना 4807, यानी 7 से यहाँ पे गुणा करें और 7 यहाँ रखें, तो हमारा आंसर चला आ जाना चाहिए, 7×7=49, 7×8=56, 5 7×4=28, 28×5=33। देखिए रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है, इसको यहां से हटाया जाके ये आ गया, तो हमारा जो इसका अंडर रूट निकल के आया जाके, अंडर रूट निकल के आया जाके, वो कितना निकल के आया जाके, 2407, यानी जो संख्या थी 5793649, यानी इसका अंडर रूट कितना निकल के आया जाके, 2407। आई होप आप लोगों को मेरी एक मेथड समझ में आया होगा, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।